देखकर लगता है जैसे आयरन मैन और थॉर को मिक्स कर दिया हो। पर स्पाइडरमैन थोड़ी है। तुम्हें स्पाइडरमैन इतना पसंद क्यों है? लोगों की जान बचाता है, अच्छा से कॉस्ट्यूम पहनता है, रिस्पेक्ट करता हूँ यार। व्हाट्स अप लूजर। हेलो गाइस, वेलकम टू दिजी मंडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। तो इस वीडियो की जो स्पीड होने वाली है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होने वाली है, क्योंकि मुझे मालूम है जब मैं वीडियो काफ़ी सारी न्यूज़ लेकर बनाता हूँ और स्पीड में बोलता हूँ तो कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, और पिछली वीडियो में भी काफ़ी सारी मिस्टेक हो गई थी। फिर भी मैंने सोचा कि अब धीरे धीरे वीडियोज़ बनाया करूँ। तो स्पाइडरमैन की आज की जो न्यूज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और ये न्यूज़ जो है वो है पोस्ट क्रेडिट सीन से रिलेटेड। तो न्यूज़ काफ़ी अच्छी है, वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा स्पॉइलर है। तो मैं ये कहना चाहूँगा जिसको अपने स्पॉइलर नहीं जानने हैं तो इस वीडियो को अभी भी छोड़ सकता है। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अपकमिंग मूवी है, इस मूवी में हमें काफ़ी सारे विलन से इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, जिसमें कि कुछ विलन्स तो जैसे कि मॉल्टन मैन, हाइड्रोमैन और सैंडमैन, लाइक आप इन नेम से इन्हें जानते हो, पर इनका एक्चुअल में नेम क्या है ये तो हमें मूवी में देख के पता चलेगा, क्योंकि अभी भी कुछ कन्फर्म नहीं हुआ है कि इन विलन्स का नेम क्या है। उसके बाद हमें एक विलन दिखाया जाएगा, वो होगा मिस्टूरियो। पर इस मूवी में और ट्रेलर के मुताबिक ये पता चलता है कि मिस्टूरियो एक अच्छा आदमी है, एक गुड गाय। इससे पहले भी एक थ्योरी आई थी, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें कि पता चला कि मिस्टूरियो एक अच्छा आदमी है, वो कोई गलत नहीं है। शायद पूरी मूवी में हमें यही दिखाया जाए, पर शायद ऐसा हो सकता है कि शायद मिस्टूरियो की खुद की अपनी एक दुनिया बनाई गई हो, क्योंकि स्पाइडरमैन अर्थ 616 में विजिट करता है, मिस्टूरियो विजिट करता है 833 अर्थ में। तो पॉसिबली कहीं ना कहीं हमें सोनी यूनिवर्स और मार्वल यूनिवर्स एक साथ देखने को मिलेगा। बट मेन अपडेट आने से पहले मैं कुछ अपडेट देना चाहूँगा। तो आज के दिन टुडे स्पाइडरमैन का ब्लैक सूट का एक ऑफिशियली आर्टवर्क लॉन्च हुआ, जो कि काफ़ी कमाल का लग रहा है। उसी के साथ एम्पायर मैगजीन ने एक कवर लॉन्च करा गया, जिसके पीछे आप एक बिल्डिंग देख रहे हो, तो पॉसिबली लोग बता रहे हैं कि वो बिल्डिंग ऑस्कॉर्प टावर है। देन उसी के साथ काफ़ी कमाल का अपडेट, हमें स्पाइडरमैन की अपकमिंग मूवी में नेट और बैटी एक साथ देखने को मिलेंगे, वो भी कपल के तौर पर। यानी कि स्पाइडरमैन और एमजे तो कपल थे ही इस मूवी में, उसी के साथ हमें नेट और बैटी भी एक साथ देखने को मिलेंगे, जो कि प्यार मोहब्बत करेंगे इस मूवी में। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट के बारे में, जो कि है पोस्ट क्रेडिट सीन। तो स्पाइडरमैन के इस पोस्ट क्रेडिट सीन में काफ़ी बड़े स्पॉइलर हैं, तो अगर आप अभी भी इसे कंटिन्यूस कर रहे हो तो वो आपका रिस्क है। तो सबसे पहले इस पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी, वो होगी ऑस्कॉर्प टावर। यानी कि इस मूवी में ऑस्कॉर्प टावर कन्फर्म है, और ऑस्कॉर्प टावर है तो इस बिल्डिंग का मालिक भी होगा। यानी कि सबसे पहला जो कैरेक्टर होगा सिनिस्टर सिक्स का मेंबर, वो होगा नॉर्मन ऑसबॉर्न, यानी कि हैरी ऑसबॉर्न का फादर। तो ये स्पाइडरमैन का खून का प्यासा है, और एक अमीर आदमी भी है जो कि बिल्कुल सन की है, जो कि बड़े बड़े गंदे गंदे एक्सपेरिमेंट करता है। देन उसी के साथ अगला जो कैरेक्टर हमें दिखने वाला है नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ साथ, वो है मिस्टूरियो। तो इसे तो आपने पूरी मूवी में देखा होगा, पर यहाँ पर रिवील्ड हो जाएगा कि मिस्टूरियो एक बहुत ही गंदा आदमी है। तो शायद ये हमें शायद मूवी में भी देखने को मिले, पर क्या पता ये हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में रिवील्ड करा जाए। देन उसी के साथ अगला जो कैरेक्टर है वो है वल्चर। तो वल्चर इस पूरी मूवी में हमें देखने को नहीं मिलेगा, ये तो कन्फर्म है, पर ये हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में सिनिस्टर सिक्स ऑस्कॉर्प बिल्डिंग में देखने को मिलेगा, नॉर्मन, मिस्टूरियो और वल्चर एक साथ। देन उसके बाद जो चौथा मेंबर होगा वो होगा शॉकर, एक और सुपर विलन काफ़ी कमाल का। फिर उसी के साथ एक और विलन काफ़ी कमाल का, वो है स्कॉर्पियन। तो स्कॉर्पियन काफ़ी हाईटेक डिजिटल सूट पहनने को देखने को मिलेगा हमें इस मूवी के साथ साथ। देन उसके साथ एक और कैरेक्टर कमेलियन, तो ये तो आपको पता ही है कमेलियन, ये हमें मूवी में भी देखने को मिलेगा, तो इस मूवी में भी ये है। तो टोटल 6 कैरेक्टर हैं सिनिस्टर सिक्स के। अब आप कहोगे कि भाई वो छठा कैरेक्टर कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं, नॉर्मन ऑसबॉर्न एक्चुअल में ग्रीन गॉब्लिन का रोल प्ले करने वाले हैं आगे अपकमिंग मूवी में, जो कि सब स्पाइडरमैन को मारने के लिए एक साथ उतरेंगे अपकमिंग स्पाइडरमैन 3 में, जिसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ 2017 में। 2017 में ही मैंने कंफर्म कर दिया था कि स्पाइडरमैन 3 आएगी, और इस मूवी को अभी रिसेंट में कंफर्म करा है 2 वीक्स पहले सोनी कंपनी ने। और आपको बता दूँ कि मेकिंग के जो राइट्स हैं वो है मार्वल के पास, और प्रमोशन के लिए और इसकी रिलीजिंग डेट और एड्स के लिए सारे राइट्स हैं सोनी के पास। तो सोनी इसकी कभी भी रिलीजिंग डेट चेंज कर सकता है, क्योंकि ये मूवी रिलीज़ हो रही थी 5 जुलाई को, पर इसे चेंज करके 2 जुलाई कर दिया गया। तो आप समझ गए होंगे, तो जितना भी सिनिस्टर सिक्स का जो कॉन्सेप्ट था वो हमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी में देखने को मिलता, पर ऐसा नहीं हुआ, वो मूवी फ्लॉप चली गई और मेकिंग की राइट्स एमसीयू के पास आ गए। तो इन फ्यूचर काफ़ी कमाल का अपडेट आने वाला है स्पाइडरमैन 3 में, और शायद अगर ये पोस्ट क्रेडिट सीन कन्फर्म हो गया तो सभी को झटका लगने वाला है, और उस टाइम मेरी वीडियो के साथ याद भी करें लोग। देन उसी के साथ एक और अपडेट आपको बताता हूँ कि स्पाइडरमैन एक ऐसी पहली मूवी होने वाली है स्पाइडर यूनिवर्स की, जो कि शायद
डोमेस्टिक में 200 मिलियन कवर कर ले 6 दिनों में। तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट है स्पाइडरमैन फैंस के लिए भी, और जो स्पाइडर यूनिवर्स में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये सिर्फ एवेंजर एंडगेम के साथ होगा, क्योंकि सब टोनी का रेफरेंस और कैमियो देखने के लिए शायद स्पाइडरमैन मूवी देखें, और एमसी फैंस तो देखने वाले हैं जिन्होंने एवेंजर एंडगेम देखी है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको जो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो या तो स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।